Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 12, part 3 of communication skill. Topics covered in this session are interviews and interviewer's perspective. I told you about uh, how to make an interview, a successful interview, and how can we make the most out of that interview? I have mean, different techniques, but I are, ये बताया कि इस तरीके से डिपेंड करता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यू दोनों पर ही कि एक इंटरव्यू को सक्सेसफुल बनाया जा सके बिकॉज इज इट इज़ जनरली स्ट्रक्चर्ड जॉब इंटरव्यू हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड रहता है एंड रिक्वायर्स बोथ द इंटरव्यू एंड द इंटरव्यू टू फॉलो फोर स्टेप्स दैट्स प्रिपरेशन मीटिंग फेस टू फेस इवेल्यूएशन एंड एक्शन और सक्सेस जो है वो दोनों पे ही डिपेंड करती है और बिफोर द इंटरव्यू इंटरव्यू ही हैज़ टू डू सम ग्राउंड वर्क

ऑन द पार्ट ऑफ इंटरव्यू ही आपका ये ग्राउंड वर्क रहता है टू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स बिफोर द जॉब इंटरव्यू और ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यू आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि हाउ टू यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज करेक्टली एंड मेक द इंटरव्यू अ टू वे प्रोसेस और एक इंटरव्यू में आपको यू नीड टू एड्रेस ऑल इंटरव्यूअर्स इफ़ इट्स अ ग्रुप इंटरव्यू आपको सबके साथ ही आई कॉन्टैक्ट बनाना है और आपको एक ड्रेस करना है सबको यू ही ऑल द इंटरव्यूअर्स इन द ग्रुप इंटरव्यू एंड शो योर ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी एंड ट्राई टू गिव पॉजिटिव आंसर्स और किसी भी तरीके से आप नेगेटिव आंसर्स ना दें और उनको एवॉयड करें किसी भी तरीके के नेगेटिव आंसर्स को यहीं मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि क्या सब चीज़ें हैं या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से आपका बैड इंप्रेशन बनता है जहाँ मैंने आपको पार्ट टू में बताया कि किस तरीके से इवेल्यूएशन रहता है और Uh, क्या एस्पेक्ट्स को क्या स्किल्स को आपके चेक किया जाता है और इंटरव्यूअर आपके किन सब स्किल्स uh, को चेक करते हैं जहाँ पर यह देखा जाता है कि आप पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट uh, हैं या नहीं हैं इंटरव्यूअर सेस एंड अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल्स पर्सनल प्रेज परसेप्शन एंड अदर बैरियर्स इन दैट कम इन द वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ऑन द पार्ट एज अ इंटरव्यूअर जो इंटरव्यूअर हैं वो बैकग्राउंड एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज भी चेक करते हैं इन एडवांस बट व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक्स अ बैड इम्प्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अपना पूरा पर्सनल अपीयरेंस पे ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपना पहले से ही पर्सनल अपीयरेंस और अटायर जो है वो प्लान करके जाएँ यू नीड टू फाइंड आउट इफ द कंपनी हैज़ अ ड्रेस कोड एंड ट्राई टू लुक इन ड्रेस एज इफ यू ऑलरेडी वर्क फॉर दैट कंपनी अदरवाइज इट गिवज अ वेरी बैड इंप्रेशन कि आप बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं उस पौदार्ट पर्टिकुलर जॉब इसलिए आपको अपने आपको उसी तरीके से ड्रेसअप करने जाना चाहिए जिस तरीके की ड्रेस कोड कंपनी ऑलरेडी फॉलो कर रही है नेगेटिव एटीट्यूड या इवेसिव या यूजिंग एक्सक्यूजिज एटीट्यूड इस तरीके का एटीट्यूड हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है इट इज इम्पोर्टेंट टू भी ऑनेस्ट एंड टू अवॉयड ब्लफिंग और बीटिंग अराउंड द बुश ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें ऑनेस्टी अगर हम रखते हैं तो ये ज़रूर पसंद आती है इंटरव्यू को और नेगेटिव एटीट्यूड अगर आपका है वेसिव और आप हमेशा एक्सक्यूज दे रहे हैं तो डोंट डू दैट बिकॉज ऑन दार्ट ऑन द पार्ट ऑफ इंटरव्यू वो कभी भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं करते इट इज़ बेटर टू बी ऑनेस्ट एंड टू अवॉयड ब्लफिंग और बीटिंग अराउंड द बुश इफ यू डोंट नो द आंसर और टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन और एम्प्लॉयो अप्रिशिएटरनेस जी रादर देन ओवर स्मार्ट आंसर्स ह्यूमिलिटी भी बहुत एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है वेन आज अबाउट योर वीकनेस डू नॉट स्टे दैट यू हैव नो वीकनेस इस तरीके के नेगेटिव एटीट्यूड एक्सक्यूजेज मत दीजिए एंड अदर पॉइंट टू रिमेंबर इज टू अवॉइड एग्जैजेशन अगर आपसे पूछा जाए इफ यू आर बिंग इंटरव्यूड बाय अ टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी डू नॉट सजेस्ट दैट यू कैन टर्न द कंपनी अराउंड इतने बड़े बड़े एग्जाजरेशन करना बिल्कुल गलत है और अगर आप इंटरेस्ट और एंथ्यजियाजम शो नहीं कर रहे हैं यानी कि आपके आंसर्स में पॉजिटिविटी नहीं है और मोटिवेटेड आंसर्स नहीं है आपके तो वहाँ पे भी एक आपका बैड इंप्रेशन बन सकता है और प्रिपरेशन नहीं करके गए हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन इज़ अ की टू सक्सेस इसके बारे में हमने पार्ट वन में भी डिस्कस किया कि किस तरीके से हम एक जॉब इंटरव्यू को सक्सेसफुल बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर गोइंग आउट गोइंग फॉर द इंटरव्यू और आपके ऑन दा एज अ जॉब एप्लीकेंट आपको क्या ग्राउंड वर्क करना ज़रूरी है बिफोर द इंटरव्यू यू नीड टू प्रिपेयर वेल ड्यू फॉर द इंटरव्यू एंड असेस योर परफॉर्मेंस एंड डू सम फॉलो अप्स आफ्टर द इंटरव्यू एंड पुअर नॉलेज ऑफ़ रोल फेलियर टू गिव कंक्रीट एग्जाम्पल्स ऑफ स्किल्स ओवर एम्फोसिस ऑन मनी या रिवॉर्ड सैलरी डिस्कशन आपको पहले नहीं करने चाहिए करियर प्लान नहीं है आपका uh, इस तरीके के आपके पास अगर एग्जाम्पल्स नहीं है अपने कंक्रीट एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको बताया कि आप आंसर्स को पहले ही प्लान करके जा सकते हैं तभी मैंने आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बताए जो आंटिसिपेट किए जा सकते हैं आपको अप, अपने ही रोल का अपनी ही जॉब का मैंने आपको ये भी बताया कि बिफोर जॉब इंटरव्यू आपको ये सब चीज़ें भी करना चाहिए बिकॉज आपको अपने जॉब टाइटल और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस नॉलेज स्किल्स का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और क्या क्या उस कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे ट्रेनिंग डेवलपमेंट की और करियर एडवांसमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ इन सब चीज़ों का आपको पहले ही नॉलेज लेके जाना गैदर करके जाना बहुत जरूरी है और अगर आप अपने स्किल्स के कंक्रीट एग्जांपल्स नहीं दे पाते हैं यानी कि जो भी आपके आपको एंटिसिपेट किए जाते हैं क्वेश्चंस यू आर नॉट एबल टू आंसर देम प्रॉपरली विद प्रॉपर आंसर्स एंड कंक्रीट एग्जांपल्स तो वहाँ पर भी आपका एक बैड इंप्रेशन बन जाता है एंड डोंट ट्राई टू ओवर एम्फोसाइज ऑन मनी और रिवॉर्ड्स क्योंकि सैलरी डिस्कशन या इस तरीके का मनी डिस्कशन जो है वो आ, पहले ही आप मत करिए एनी डिस्कशन ऑन सैलरी शुड बी इनिशिएटेड बाय द इंटरव्यू ओनली And not by the interviewee, especially during the initial interview, when asked about your salary expectations, you should indicate a range rather than a specific figure. Therefore, you should have found out the general salary range for candidates with your, uh, your qualification and experience before the interview. Only then can you give the reasonable response to that question. You also need to assess your

ऑन द इंटरव्यू अबाउट यू तो जब आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं फेस टू फेस वहाँ पर आपको अपने बॉडी लैंग्वेज और अपनी ओपनिंग फॉर्मेलिटीज़ या क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज़ इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अदरवाइज दे क्रिएट अ बैड इम्प्रेशन ऑफ योर्स जैसे मैंने आपको बताया आफ्टर द जॉब इंटरव्यू आपको आ, एक स्टेज है ये जब इंटरव्यू आपका हो जाता है तो उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में आपका यही आता है कि आप दिस स्टेज इन्वॉल्व द इवेल्यूएशन ऑफ द इंटरव्यू एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन एप्लीकेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज इंपॉर्टेंट टू डू अ सेल्फ असैसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको अपने ही परफॉर्मेंस को रिव्यू करना जरूरी है क्या अच्छा गया क्या बुरा गया वॉट यू विश्ड यू हैड सेट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेज आप क्या कहना चाहते थे और क्या नहीं कह पाए नेक्स्ट स्टेज अगर है तो उसके लिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए तो एप्लीकेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो एक सेल्फ असेसमेंट अपने इंटरव्यू का करना परफॉर्मेंस का करना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द इंटरव्यू इवन इफ द एप्लीकेंट इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग अ फेवरेबल आउटकम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेंड अ थैंक यू लेटर टू द इंटरव्यू इमिजिएटली एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर हैविंग बीन हैविंग बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ फेस टू फेस मीटिंग इससे आपकी गुडविल बनी रहेगी एंड इंक्रीज एनी चांसेस ऑफ बीइंग कंसीडर्ड फॉर फ्यूचर ओपनिंग्स और अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिकेशन आपको मिला है कि फेवरेबल आउटकम आएगा तो आप फॉलो अप एक्शन जो है आपका वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए उसको लेकर अगर आपको डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए बोला तो यू शुड सेंड देम विदाउट एनी डीले और अगर सेकेंड राउंड के लिए बोला है इंटरव्यू के लिए तो इट इज़ इम्पोटेंट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन एंड ग्राउंड वर्क फॉर दैट इमीजिएटली तो आपको एक रिव्यू लेना बहुत जरूरी है अपने परफॉर्मेंस का कि क्या अच्छा गया एंड वॉट वेंट बैडली वॉट यू विश्ड यू हैड सेड एंड नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स यहाँ से इमीजिएटली यू नीड टू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड ग्राउंड वर्क फॉर द नेक्स्ट स्टेज इमीजिएटली और सेकेंड राउंड या फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको बोला है तो वहाँ पर आपको असेसमेंट सेंटर्स साइकोमेट्रिक टेस्टिंग और पैनल इंटरव्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी अभी कि एक्चुअली ये साइकोमेट्रिक टेस्टिंग और पैनल इंटरव्यूज मींस ग्रुप इंटरव्यू जिसके बारे में मैंने आपको बताया जहाँ पर ग्रुप इंटरव्यू इज या पैनल इंटरव्यू इज वन वेर अ पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू सिंगल एप्लीकेंट उस ग्रुप में मे बी देर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज एच आर मार्किटिंग एंड फाइनेंस

फीडबैक uh, अगर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो आप तो आप उसे यूज़ कर सकते हो अपने आगे के परफॉर्मेंसेस के लिए एक असेसमेंट हो जाएगा कि क्या चीज़ों पर आपको इम्प्रूव करना ज़रूरी है क्या चीज़ें आप नहीं कह पाए uh, इस तरीके के फीडबैक आपको इंटरव्यू के बाद ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी हैं टेलीफोन इंटरव्यूज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि टेलीफोन पर भी इंटरव्यूज़ होते हैं सो यू नीड टू प्रिपेयर एज़ थॉरली एज़ फॉर द रियल इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे आपको जितना आप रियल इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही प्रिपेयर करना ज़रूरी है और एक कंफर्टेबल कॉइट और प्राइवेट प्लेस ढूंढ लें क्योंकि इस तरीके का इंटरव्यूज़ में आपको आप साफ साफ अपनी बात कह पाएँ और अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ वो बहुत ज़रूरी है तो इसीलिए आपको एक कंफर्टेबल क्वाइट और प्राइवेट सराउंडिंग्स uh, और प्लेस की ज़रूरत रहेगी एडवाइस फ्लैटमेट्स री आंसरिंग फोन इस तरीके के री आंसरिंग जो है वो सब नहीं करने चाहिए आपको हैव कॉपी ऑफ योर सी वी एंड कंपनी इंफॉर्मेशन जब भी आपका टेलीफोन इंटरव्यू होने लगे तो वहाँ पर आप सी वी अपने पास रखें क्योंकि उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे और कंपनी की इन्फॉमेसन जो आपने गैदर की है आई टोल्ड यू इट्स सिमिलर टू द रियल इंटरव्यू तो यहाँ पर भी आपको कंपनी की और अपनी जॉब प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है और उनकी कॉपी रखें अपने पास एंड हैव पेन एंड पेपर एट हैंड और जैसे आप यूजुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करते हैं बाकी क्वेश्चंस को आंटिसिपेट किया था आपने उस तरीके से आपको यहाँ पे भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी उन क्वेश्चंस की और विद प्रॉपर कंक्रीट एग्जांपल्स आपको अपने स्किल्स जो हैं वो प्रेजेंट करने होंगे फ़ोन के प्रैक्टिस के लिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने आंसर्स ट्राई स्टैंडिंग स्माइल एंड यूज जेस्चर्स एंड अवॉइड मोनोटोन्स क्योंकि सामने वाला सुनकर आपकी बात बोर ना हो जाए एंड स्माइल uh, करते रहिए जेस्टर्स यूज करते रहिए क्योंकि ऑटोमेटिकली ये पता चल जाता है फ़ोन पे वेदर यू आर हैप्पी और किस तरीके का एग्रेसिव मूड में है या आ, बहुत ज़्यादा परेशान है किस तरीके का आपका जेस्चर उस टाइम चल रहा है तो इन सब चीज़ों की आप प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं जिस तरीके से आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं अपने आंसर्स की आपने क्या बोला और मना monot मोनोटोन्स को आप अवॉइड कीजिए कि एक ही टोन में आप बोलते जा रहे हैं इट लुक्स वेरी अनकम्फर्टेबल ऑल्सो और सामने वाला बहुत बोर भी हो जाता है बिकॉज़ वेरिएशन बहुत ज़रूरी रहती हैं टोन में बिकॉज इन दिस वे यू कैन एम्फोसाइज ऑन एंड स्ट्रेस ऑन द पर्टिकुलर थिंग्स यू वॉन्ट टू और बी योर सेल्फ़ बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है बी योर सेल्फ़ अपने आप में जो आप हैं सिर्फ बी ट्राई टू बी नेचुरल एंड डोंट ट्राई टू एग्जाजरेट बी डिस्क्रीट आपको अपने प्रोनांिएशन और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और कर्टियस रहना है बी प्लीजेंट स्माइल वग़ैरह के बारे में मैंने आपको बताया डोंट ट्राई टू बी ओवर एग्जाजरेटेड और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है टेलीफोन इंटरव्यूज़ पर भी कुछ और टाइप के इंटरव्यूज़ के बारे में आपको बताना चाहूंगी रोटेटिंग लाइक वन टू वन विद डिफरेंट इंटरव्यूअर्स एक के बाद एक आपसे डिफरेंट इंटरव्यूअर्स रोटेट करके टर्न्स में आपसे पूछेंगे इट इज़ सिम सिमिलर टू से यूजुअल इंटरव्यू जो होता है उसमें बस यहाँ पर डिफरेंट जो इंटरव्यूअर्स आपको एक के बाद रोटेटिंग टर्न्स में आपसे पूछेंगे ग्रुप इंटरव्यूज के बारे में मैंने आपको बताया कि सिक्स टू एट कैंडिडेट्स में वो हो, हो जाएगा ग्रुप ऑब्जर्व वाइल्ड डिस्कसिंग टॉपिक बी अवेयर ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन की तरह यहाँ पर हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन भी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें कंपनी uh, या जो भी आजकल न्यू बिजनेस मॉडल आ रहे हैं दे आर बेस्ड ऑन ग्रुप रादर देन द इंडिविजुअल इसीलिए ग्रुप इंटरव्यूज या इस तरीके का ग्रुप जो है ऑब्जर्व करेगा आपको वाइल्ड डिस्कसिंग टॉपिक और इस तरीके का जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं दे आर यूजफुल इन असेसिंग द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली इन अ ग्रुप सिचुएशन रादर देन इन आइसोलेशन पैनल इंटरव्यूज के बारे में मैंने आपको बताया कि टू टू फाइव इंटरव्यूअर्स इसमें हो सकते हैं और आज में नीज थर्टीन भी हो सकते हैं यानी कि पूरा एक ग्रुप हो सकता है आपके पास जो आपका इंटरव्यू लेगा और ट्राई टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रोल्स देयर

एंड इट मे इन्वॉल्व प्रजेंटेशन समटाइम्स बिकॉज आपको ऑल पीप जो भी आपके इंटरव्यूअर हैं उनको सबको इम्प्रेस uh, करना है और उनको सबको कन्वेंस करना है परसुएट करना है तो आपको एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी ऑफ परसुएशन विच मे इन्वॉल्व प्रजेंटेशन समाइम्स ताकि आप सबको अपनी बात ठीक से प्रजेंट कर सकें विथ कंक्रीट एग्जाम्पल्स और आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको एंटिसिपेट करके जाएँ ताकि आप इस तरीके की प्रेजेंटेशन को उस टाइम सक्सेसफुली कम्प्लीट कर सकें असेसमेंट सेंटर्स के बारे में मैं आपको बता रही थी कि असेसमेंट सेंटर्स जो होते हैं कंपनी के प्रमिसेज या न्यूट्रल वेन्यू में ही हो जाते हैं ये और इंक्लूड सोशल और इनफॉर्मल इवेंट्स यहाँ पे इनफॉर्मल इवेंट्स जो भी किस तरीके के इनफॉर्मल इवेंट्स कंडक्ट करती है कंपनी उसमें होते हैं ये औ, और सोशल इवेंट्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं Uh, और मीटिंग विद रीसेंट ग्रेजुएट्स या और मैनेजर्स इस तरीके के असेसमेंट सेंटर्स में आप मीटिंग करते हैं विद रीसेंट ग्रेजुएट्स या मैनेजर्स और इसमें क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी वो मैं आपको बताऊंगी ग्रुप एक्सरसाइजेस इसमें रहेंगी प्रैक्टिकल टास्क या एक्सरसाइजेस रहेंगी रिपोर्ट राइटिंग औरल प्रेजेंटेशंस साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज होंगे इसमें जिसमें आप असेसमेंट सेंटर्स में भी आपको जज किए जा सकते हैं आपके वेरियस डिफरेंट स्किल्स आप ओरली प्रेजेंट कैसे करते हैं राइटिंग सेक्शन में या प्रैक्टिकल टास्क यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है आपकी ग्रुप एक्सरसाइजेस टीम वर्क एबिलिटी लीडरशिप एबिलिटी और पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू से आपके सारे स्किल्स चेक किए जा सकते हैं एंड इट सिमुलेट्स रियल वर्क एनवायरनमेंट आपको सचमुच में ऐसा लगेगा कि रियल वर्क एनवायरनमेंट चल रहा है और नॉर्मल जैसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं क्योंकि इंटरव्यूज़ बहुत वे में कंडक्ट हो सकते हैं ज़रूरी नहीं है सिर्फ हायरिंग बेसिस पे ही इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं ड्यूरिंग द एग्जिट प्रोसेस या वैन द एम्प्लॉज रिटायरिंग रिजाइनिंग और बींग फायरड या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के टाइम पर भी इंटरव्यू कंडक्ट किए जा सकते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रियल वर्क इन्वायरमेंट चल रहा है वहाँ पर आप असेसमेंट सेंटर्स में इस तरीके से आपके स्किल्स का जजमेंट किया जाएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में मैं बता रही साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है इट मेजर स्किल्स रेलिवेंट टू पोजिशन आपके पोजिशन से रिलेटेड वो स्किल्स मेजर करेंगे वर्बल uh, कॉम्प्रीहेंशन आपका चेक किया जाएगा यानी कि राइटिंग और वर्ड्स के आप कितना अच्छे से समझते हैं आप लॉजिक इवेल्यूएट uh, कर पाते हैं टेक्स्ट का या नहीं कर पाते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग का टेस्ट किया जा सकता है आपके स्टेटिकल डेटा में आजकल बहुत से कम्पटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं जहाँ पे आपके स्किल्स मेजर किए जाते हैं इन पर्टिकुलर वेरियस पोजिशंस वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में कि आप वर्ड्स का ठीक से लॉजिक टेक्स्ट का ठीक से इवेल्यूशन कर पाते हैं आपका कॉम्प्रिहशन कैसे है अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कैसी है और न्यूमेरिकल रीजनिंग जहाँ पर आप डिफरेंट आपको मैथ्स रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डेटा देकर इंटरप्रिटेशन आपका लिया जाता है और डायग्रामेटिक रीजनिंग डायग्राम या आपके पैटर्न्स को आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको लेकर आपका क्या स्किल रहता है हाउ टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स वॉच टाइमिंग्स और कंप्लीट एज मनी एज पॉसिबल और टाइमिंग्स का आपका चेक किया जाता है कि आप कितनी जल्द से जल्द जल्थ कंप्लीट कर सकते हैं और इनके अलावा आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा आपका पर्सनालिटी क्वेश्चन भी होता है जिसमें आपके पर्सनालिटी स्टाइल का देखा जाता है कि आप मोटिवेटेड हैं इंतज़ी है या नहीं है आप च, अपने लाइफ में एम्बिश हैं या नहीं है नो राइट और रॉन्ग आंसर्स इसमें कोई भी रॉन्ग या राइट right आंसर्स नहीं होते क्योंकि आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हैं अपनी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ में यू नीड टू बी स्पॉन्टेनियस डोंट ट्राई टू सेकेंड गैस आपको इसमें सेकेंड गैस नहीं करना होता क्योंकि स्पॉन्टेनियस आंसर से आपकी एग्जैक्ट पर्सनैलिटी पता चल जाएगी अदरवाइज यू कैन बी यू कैन फेक ऑल्सो इन डिफरेंट सिचुएशन आप गलत भी बोल सकते हो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं बहुत ही स्पॉन्टेनियस होते हैं और टेस्ट जो है वो बिल्ट इन चेक्स भी इंक्लूड करता है एम्प्लॉयज़ में भी लुकिंग फॉर डिफरेंट पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी का चेक किया जा सकता है हो सकता है कि आपकी ऐसी पर्सनालिटी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं मैच करती है यानी कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के लिए और आप बहुत ही इंटरवर्ड पर्सनालिटी हैं आप ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाते हैं तो सडनली आपसे इस तरीके के क्वेश्चन किए जाएंगे कि आपको लोगों से घुलना मिलना पसंद है या नहीं है यू लाइक टू मीट पीपल यू लाइक टू गो टू पार्टीज या यू लाइक टू गो आउट यू लाइक टू मीट पीपल इस तरीके के क्वेश्चन से वो ईजिली ये जज कर पाएंगे कि वेद दर यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और वेदर यू आर एक्स्ट्रो वर्ड और नॉट और अगर इस तरीके का एक्स्ट्रो वर्जन की जरूरत है बाहर मिलने जुलने की जरूरत है फ्रेंडली एटीट्यूड की जरूरत है तो यहाँ ये यह पता चल जाएगा कि यू हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी प्रोफाइल तो शायद आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए फ़िट नहीं है इसको आप अच्छा, अपने इस तरीके के टेस्ट जो हैं आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आजकल ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट आते हैं जिन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं और साइकोमेट्रिक टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर स्पॉन्टेनियस होना ज़रूरी है तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और इस तरीके के क्वेश्चन आप ऑनलाइन टेस्ट में भी प्रिपेयर कर सकते हैं थोड़ा सा मैं आपको इंटरव्यूअर के बारे में यहाँ बताना चाहूँगी कि इंटरव्यूअर का अपना क्या पर्सपेक्टिव रहेगा रिगार्डिंग द डिफरेंट थिंग्स और uh, जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्रिपेयर करके जाते हैं और इंटरव्यूअर जो है वो उनको भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए एंड ट्राई टू मेक एप्लीकेंट फील एट ईज ड्यूरिंग द इंटरव्यू ही शुड स्टेब्लिश टू टू मेक गुड रैपो विद द एप्लीकेंट एंड श्योर दैट द कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि दोनों को ही सक्सेसफुल बनाना चाहिए एक इंटरव्यू को और मोस्ट जॉब इंटरव्यूज आर स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरव्यूअर गोज थ्रू अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट हैव बीन प्री डिटर्मेंट तो वो क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या प्री डिटर्मेंट क्वेश्चन रहते हैं और कैसे स्ट्रक्चर्ड रहता है इवेल्युएशन के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ सर्टन पैरामीटर्स रहते हैं दिस स्टेज राइज एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू एंड द इंटरव्यूअर शुड असेस द इंटरव्यू इंटरव्यू एज वेल एज applicant's परफॉर्मेंस based ऑन certain पैरामीटर्स ये स्पेसिफिक पैरामीटर्स और ये जो मेथड्स हैं असेसमेंट के वो पहले ही एडवांस में ले लिए जाते हैं जैसे मैंने भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का एग्जांपल दिया इस तरीके के पैरामीटर्स पहले ही सोच लिए जाते हैं एडवांस में और उसके बेसिस पे ही वैल्यूट किया जाता है एप्लीकेंट का जजमेंट Uh, so based on the evaluation of performance, interviewer should decide whether to ask the applicant to attend further interviews or to make decisions based on a single interview. the interviewer should also decide how to communicate further with the interviewee. for example, by sending him an offer letter, you a letter of rejection. Or नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाना है उसके लिए एक इंटरव्यूअर जो है वो ब्रीफ नोट्स ले लेते हैं सो दैट द इम्पॉर्टेंट नोट्स कैन नॉट बी कैन बी ईजली रेफर टू लेटर और बॉडी लैंग्वेज जो है वो आप ऑन द पार्ट ऑफ इंटरव्यू ही ऑल्सो इंटरव्यूअर में भी को भी अपने बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना जरूरी है ताकि वो इसे टू वे प्रोसेस बनाएँ और उसमें इंडिकेट इंटरेस्ट uh, uh, करें फ्रेंडली टोन जो है वो मैटर करती है यहाँ पे रिलैक्स बॉडी पोस्चर or organize current questions in the right sequence and avoid asking the difficult question first since they make the applicant tense and ask questions that allow the applicant to seek freely and to open up a discussion questions that may be answered with a yes or no do not contribute much whereas questions that ask how what why दीज विल एलिसिट एट फ्रामिक तो इस तरीके के क्वेश्चन यूजली इंटरव्यू आपसे करेंगे क्योंकि इनसे आप एलिसिट एबरेट आंसर्स दे पाएंगे विथ कंक्रीट एग्जाम्पल्स तो ये सब चीज़ें जो हैं एक सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी रहती हैं यहाँ पर आपसे कुछ डू इट योसेफ के क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्सप्लेन द साइकोमेट्रिक टेस्ट जो मैंने आपको बताया जहाँ पर आपके पर्सनालिटी टेस्ट का देखा जाता है कि आप अपनी लाइफ को और अब डिफरेंट स्किल्स को लेकर कितने आपकी पर्सनालिटी कैसी है ऐसे टेस्ट बहुत ही स्पॉन्टेनियस होते हैं क्योंकि आपके सडन जजमेंट हो जाती है आपकी पर्सनालिटी की और वेदर यू सूट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब और नॉट और एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं इसके अंदर कि वर्बल रीजनिंग या स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल रीजनिंग के बारे में इस तरीके के आपके जनरल जो है आपके रीजनिंग क्वेश्चन जनरल एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा सकता है और टेलीफोनिक इंटरव्यू जो इट्स सिमिलर टू जनरल इंटरव्यू बट ये टेलीफोन पर होता है तो इसीलिए आपको एक सेफ इन्वायरमेंट क्ली जो बाकी प्रॉब्लम से या नॉइजी एनवायरनमेंट से दूर हो आपको ये देखना चाहिए और अपने आंसर्स को जैसे आप नॉर्मल इंटरव्यू में तैयार करते हैं वैसे ही आंसर्स जो हैं आपको तैयार करने चाहिए Uh, जो भी एंटीसिपेट करने हैं क्वेश्चन वो आपको पहले ही आपके रेडी होने चाहिए विथ कंक्रीट एग्जाम्पल्स बाकी इसमें सब कुछ सेम रहता है जस्ट हेयर uh, आप अपने बॉडी लैंग्वेज शो नहीं कर सकते तो इसलिए आपकी टोन ऑफ वॉइस बहुत मैटर करती है यहाँ पर और आपका टोन जो है वो कर्टियस होना चाहिए प्लीजेंट होना चाहिए स्माइल करते रहिए जेस्चर्स आपके परफेक्ट होने चाहिए डोंट ट्राई टू बी ओवर एग्जाजरेट या बहुत ओवर एक्सप्रेसिव होना जरूरत नहीं है यहाँ पे यू नीड टू बी बी नेचुरल एंड बी योर सेल्फ दैट्स ऑल अबाउट द टेलीफोनिक इंटरव्यू सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन इन दिस वे यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज एंड यू नीड टू मेक योर इंटरव्यू सक्सेसफुल फॉर एवर नाव फ्राम नाओ ऑनवर्स आप फ्यूचर में जब भी इंटरव्यू तो आप इसी तरीके से कंडक्ट करिए इंटरव्यू एंड आई होप यू विल सक्सेसफुल कैंडिडेट देयर सो थैंक यू थैंक्स अ लॉट दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन हैप्पी लर्निंग वी लर्निंग थैंक यू